हाँ बच्चों, ये अपनी मैथ की फर्स्ट क्लास है। इसमें आपको फास्ट कैलकुलेशन सिखाया जाएगा, आपके कंप्यूटर से भी फास्ट है, ठीक है, जो अबेकस पद्धति के द्वारा। ये अबेकस इंस्ट्रूमेंट्स है। मैं इस क्लास में आपको बिना इस इंस्ट्रूमेंट के सिखाऊंगा, मींस संपूर्ण मैथ केवल हाथों पर, इन दोनों हाथों पर, ठीक है, इन दोनों हाथों पर। चलिए शुरू करते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद नहीं पाते, ठीक है, इसलिए हम इससे भी ज्यादा फास्ट हमारे हाथों पे करना सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको केवल फोर रूल्स सीखने हैं इसमें। कितने रूल्स सीखने हैं? केवल और केवल फोर रूल्स। अगर आप इन फोर रूल्स को सीख गए तो आप कितने भी बड़े कैलकुलेशन को केवल हाथों पे चुटकियों में कर सकते हो। जिसका पहला नाम है डायरेक्ट एडिशन। क्या है? डायरेक्ट एडिशन। दूसरा नाम है स्मॉल फ्रेंड। क्या है? स्मॉल फ्रेंड। थर्ड नेम है बिग फ्रेंड। बिग फ्रेंड। और लास्ट है मिक्स फ्रेंड, ठीक है। इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद कुछ तो आप आज ही सीख जाओगे। मतलब आज हम डायरेक्ट एडिशन को और स्मॉल फ्रेंड को करने वाले हैं। केवल इन चार रूल्स को अगर अच्छे से सीख गए तो कोई भी कैलकुलेशन हो फटाफट कर सकते हो। देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे कितनी भी तेज डिजिट बोल लो, प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी, और फटाक से कर देते हैं। वो आज अपन यहां सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा सबसे पहले डायरेक्ट एडिशन, इसको सीखने से पहले सबसे पहले हमें फिंगर ट्रिप्स काम लेनी होंगी, ठीक है। आप सभी अपना राइट हैंड निकालो, राइट हैंड निकालो, और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ओके। लेट्स स्टार्ट। वन जीरो, वन जीरो, टू जीरो, टू जीरो, थ्री जीरो, राइट हैंड, ओके। फोर जीरो, हाँ, तो फोर तक काउंटिंग बनाना सीख गए एंड पे। यस, मैं पूछता हूं, तुम बनाओ। टू टू है ना, ये ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा, ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्या है टू? केवल ऐसे है ना। जीरो, थ्री थ्री, जीरो, फोर, वेरी गुड, जीरो। अभी तक कहां तक डिजिट बनाना सीखा आपने? फोर तक। कहां तक सीखा? फोर तक, जीरो, ठीक है। आगे सीखें। अब देखो फाइव कैसे बनाएंगे। ऐसे नहीं बनाएंगे, फाइव ऐसे नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा। जीरो बनाओ सभी, ओके। हाँ, फाइव, ये फाइव। अरे जब तुम भाई बहन आपस में लड़ते हो ना तो करते हो ले 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 टिल्ली ले ले ले, है ना। ये देखो फाइव डांस भी कर रहा है। फाइव क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। फाइव क्या कर रहा है? डांस, ठीक है। ये फाइव हो गया, सीख गए फाइव। जीरो, हाँ, वापिस से बनाओ। वन वन, वेरी गुड। जीरो, टू जीरो, थ्री जीरो, फोर जीरो, फाइव फाइव, वेरी गुड। चलिए आगे फिर से बनाना सीखते हैं अपन। फाइव से आगे देखिए, सिक्स, फाइव और वन सिक्स, ये क्या था? वन, ये क्या था? फाइव, ठीक है। तो फाइव और वन सिक्स, जीरो, सेवन, सेवन बनाओ, सेवन बनाओ, हाँ तुम बनाओ, वेरी गुड। फाइव सिक्स सेवन, एक दूसरे के में देख के मत बनाओ, खुद ही सेवन। क्या बन गया हमारे हाथों पर? सेवन। क्या बन गया? सेवन, राइट हैंड, ओके। जीरो, एट, एट बनाओ, फाइव सिक्स सेवन
एट 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 अभी नहीं बन, देखो एट ऐसे बनाना है ठीक है, अभी नहीं बने तुमसे तो एट ऐसे बना लो ओके। देखो फाइव और थ्री कितने हो गए, एट। फाइव और थ्री कितने हो गए, एट। क्लियर, फाइव और थ्री कितने हो गए, एट। जीरो जीरो, नाइन कौन बनाएगा सबसे पहले, वेरी गुड नाइन। ये क्या है, नाइन क्या है, नाइन, वेरी गुड। देखो कैसे बनाया, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, देखते हैं कौन सबसे पहले बनाए ओके। बनाओ सिक्स, वेरी गुड, इसने गलत बनाया ना, इस यानी ने गलत बनाया है। सिक्स कैसे बनाएंगे, ये सिक्स धीरे है ना, जीरो हाँ फिर से बनाओ, नाइन हाँ इन दोनों ने सही बनाया है, बाकी सब गलत। नाइन कैसे बनाएंगे, ये नाइन कैसे बनाया था हमने, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। अब यहां से अपन डायरेक्ट एडिशन सीखेंगे, क्या सीखेंगे, पहला नियम, पहला नियम क्या था अपना, डायरेक्ट एडिशन, क्या था, डायरेक्ट एडिशन। चलिए डायरेक्ट एडिशन रहने देते हैं, बाकी स्मॉल फ्रेंड बिग फ्रेंड और मिक्स फ्रेंड को क्या करते हैं अभी हटा देते हैं। आज हम क्या सीखेंगे, डायरेक्ट एडिशन, केवल और केवल फोर नियम है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सीखने लायक हैं और चुटकियों में सीख जाओगे और पूरी मैथ हाथों में करना सीख जाओगे, वो भी बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटर कंप्यूटर से भी ज्यादा स्पीड में, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, स्मॉल फ्रेंड में क्या क्या आएगा, देखो मिक्स फ्रेंड तो ऐसा है जिसमें पापा मम्मा और भाई बहन सब आ जाएंगे, अपन को कुछ याद नहीं करना, केवल घर के पापा मम्मा और भाई बहनों और दोस्तों को याद करने हैं और तुम उसी के साथ मिक्स फ्रेंड सीख जाओगे। चलो ये आगे की बात है, अभी अपन चलते हैं डायरेक्ट एडिशन पर, इन सभी को हटा देते हैं ठीक है। ओके अब क्या रह गया अपना, डायरेक्ट एडिशन, क्लियर। वापस से राइट हैंड निकालो और सेवन बना के बताओ फटाक से, फाइव सिक्स सेवन, क्या है ये, सेवन। देखो हम इस पर बनाते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये बीच की रोड है ठीक है, ये इसको टच करते हैं इस रोड पर, ये फाइव हो गए, ऊपर वाली कितनी है, फाइव नंबर की है सभी, और नीचे वाली कितने नंबर की है, वन वन नंबर की, वन वन नंबर की। तो वन कैसे बनाएंगे, वन जीरो, टू जीरो, थ्री जीरो, फोर जीरो, फाइव जीरो, सिक्स जीरो, सेवन जीरो, एट जीरो और नाइन, इस तरह बनाते हैं, लेकिन हम इसको काम में नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट हाथों पे ही सीखेंगे ठीक है। वापस करो एक बार, एट बना के बताओ, एट तुरंत, वेरी गुड एट, ये क्या है, एट, क्या है ये, एट, वेरी गुड ओके। अब देखो अब हमारा फर्स्ट है डायरेक्ट एडिशन, इसमें सबसे पहले अपन एक तो प्लस करना सीखेंगे और एक क्या सीखेंगे, माइनस करना ठीक है, प्लस और माइनस इन चीजों को समझेंगे। देखो बेटा प्लस का मींस क्या होता है, बताओ क्या होता है, ऐड करना, मींस हिंदी में जोड़ना। प्लस का मींस जब मैं प्लस करूं तो आपको क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। जब मैं प्लस बोलूं तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, और जब मैं माइनस बोलूं तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मींस घटाना है, क्या करना है, घटाना है ठीक है। जब मैं माइनस का मींस क्या होता है, घटाना, प्लस का मींस क्या होता है, जोड़ना, क्लियर। प्लस का मींस एडिशन और माइनस का मीन सब्ट्रैक्ट, समझ आ गया। चलिए अब करते हैं अपन, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो, बिल्कुल जी। अब एक चीज विशेष ध्यान रखना, आपको माइंड में जोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी छोटे छोटे डिजिट दूंगा मैं तो जोड़ के बता दोगे, अपन को हाथ पे करना है, किस पे करना है, हाथ पे करना है, करोगे ना, करो वन वन वन, इनको
हाथों पे करना है अपन को सबसे पहले। देखो सबसे पहले क्या है, वन, तो वन, फिर आगे क्या है, वन ऐड करना है ना, सबट्रैक्ट थोड़ी है, ऐड करना है, फिर इसमें वन को ऐड कर दो, कर दिया ऐड, ऐसे नहीं करना, इसको खड़ा मत करने, ये तो फिर फाइव हो जाएगा, पता है ना, ऐसे रहे, फिर ये वन, ये वन, तो दैट इज आंसर कितना आया, थ्री, कितना आंसर आ गया, थ्री, तो हम यहां क्या लिख देंगे, थ्री, क्लियर। इसी तरह अब अपन धीरे 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 बड़े क्वेश्चन करेंगे, है ना, देखो आगे देखो, हाँ तो चलो एक बार अपन स्पीड से हाथों में प्रैक्टिस कर लेते हैं, सभी ऐसे करो, टू टू, अब प्लस टू, अब प्लस टू के लिए इसमें टू और ऐड कर दो, वन टू, दैट इज फोर, क्या आ गया, फोर, जीरो फोर, फोर बनाओ, फोर माइनस थ्री, अब माइनस का मीन्स आपको क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ वेरी गुड, घटाना है तो घटाओ थ्री, वन, नीचे से ऊपर से नहीं घटाना, हमेशा कहां से सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे से, वन टू थ्री, दैट इज क्या आ गया, वन, वेरी गुड, क्या आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो अब मैं थोड़ी स्पीड से करवाऊ, ठीक है करो, वन प्लस थ्री माइनस टू माइनस टू दैट इज आंसर जीरो, आंसर जीरो, समझ आ रहा है। चलो अब अपन और बड़े करते हैं, करके बताओ, सिक्स, ये क्या है, सिक्स, अब इसमें करना है प्लस थ्री, प्लस थ्री, अब देखो कई कई तुम कई कैसे कर रहे हो, प्लस थ्री ऐसे नहीं करना है, है ना, मैंने क्या बोला था सबसे पहले, सिक्स, अब इसी में प्लस थ्री करना है, इसको मिटाना नहीं है, इसी में प्लस थ्री करना है, वन, नीचे, वन टू थ्री, दैट इज नाइन, दैट इज नाइन, वेरी गुड, अगेन सेवन, 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 प्लस टू, प्लस टू मीन्स घटाओगे या जोड़ोगे, प्लस टू जोड़ेंगे, हाँ ऐड करना है, तो प्लस टू, वन टू, अब करना है आपको माइनस सिक्स, अब माइनस सिक्स कैसे करोगे, ऐसे नहीं करना, इसमें से सिक्स को घटाना है, तो ऐसे ऊपर से नहीं, मैंने कहा नीचे से, सिक्स घटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, सिक्स के लिए क्या होता है, फाइव और वन, सिक्स के लिए क्या होता है, फाइव और वन, तो सिक्स घटाओ, एक फाइव और नीचे से ये सिक्स, क्या आंसर बच गया, थ्री, देखो सिक्स घटाने के लिए बेटा, इधर देखो माइनस सिक्स के लिए ऐसे भी सही है, लेकिन फिर आगे जाके अपना काउंटिंग खराब होगा, इसलिए आपको नीचे से करना है, तो माइनस सिक्स के लिए माइनस सिक्स, है ना। चलो एक बार अपन नाइन में से कर लेते हैं, यस बनाओ, नाइन नाइन माइनस सिक्स, ये माइनस सिक्स दैट इज थ्री, ओके, नाइन माइनस सेवन करो, माइनस सेवन, ये माइनस सेवन, फाइव सिक्स सेवन दैट इज टू, वेरी गुड, फिर से करो, जीरो नाइन माइनस एट, माइनस एट करके बताओ, फाइव सिक्स सेवन एट दैट इज वन। मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, तुम स्पीड से कर दोगे ना, वैसे कर दोगे, ये समझ गए तो अपना डायरेक्ट एडिशन खत्म, बस इतना सा ही नियम है, ऐसे ही नियम है, ऐसे ही चारों नियमों को सीखने के बाद आप बड़े बड़े डिवाइड, बड़े बड़े मल्टीप्लाई, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, जो कोई कैलकुलेटर लेके खड़ा हो जाएगा ना, वो टाइप भी नहीं कर पाएगा इतनी स्पीड से, अगर आप कोई बोलेगा कि वो टाइप भी नहीं कर पाएगा, इतने में तो तुम आंसर दे दोगे, इतना स्पीड सीख जाओगे तुम, है ना, ये अपना डायरेक्ट एडिशन क्या हो गया, खत्म। चलो लेकिन अभी इसको और प्रैक्टिस करते हैं एक बार, हाँ करो बेटा, अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखो इसमें सबसे मेन बात है प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, हाँ प्रैक्टिस करेगी ना, करें प्रैक्टिस, चलो आप देखते हैं किसका आंसर आएगा, ठीक है, चलो मैं यहां लिखता हूं, है ना, यहां लिखता हूं, और सबसे पहले किसका आंसर आए करके बताना,
हाँ, और फिर एक बार खुश हो जाना कि हम बिना इसके, बिना इस इंस्ट्रूमेंट के क्या सीख गए, फास्ट कैलकुलेशन, है ना, जिसका आज अपना पहला वाला नियम फिनिश। क्या हो गया पहला वाला नियम फिनिश? चलो करके बताओ, वन क्वेश्चन करो। हाँ बताओ क्या आंसर आएगा, ज्यादा बड़ा हो गया? अरे कर रही। हाँ करो, थोड़ा पीछे हो, पीछे हो। मैं ये कटाना है। देखो चलो मैं करके बताता हूं, देखो इधर देखो बेटा, टू प्लस टू प्लस टू प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव हो गया ना, इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो मीन्स प्लस है ना, और माइनस सिक्स, माइनस सिक्स करो, ये माइनस सिक्स दैट इज थ्री। बेटा ये बड़ो बड़ो से भी नहीं होता, समझ गए? लेकिन अब तुम सीख गए, हो तो जाएगा, हो तो किसी से भी जाएगा, लेकिन इसको अपन बहुत स्पीड से नहीं होता। अगर मैं बोलता फटा से टू प्लस टू प्लस फाइव माइनस सिक्स तो फिर नहीं होता, तुम सीख जाओगे, कितनी फास्ट बोलेंगे ना तो भी सीख जाओगे। हाँ नेक्स्ट तुम करोगे अब, है ना, सबको बोलना है क्या आंसर आएगा, जैसे मैं लिख के हटू तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, है ना, रेडी रेडी, चलो स्टार्ट। That is, हाँ बोल तेज, तेजी से बोल, वन, वेरी गुड, इन दोनों का अच्छा है तुम्हारा गलत है, वेरी गुड, ये हुई ना बात, आ गया ना तुरंत आंसर, क्या किया अपन ने, फोर प्लस फाइव प्लस फाइव माइनस सिक्स माइनस सिक्स, ठीक है, माइनस टू माइनस टू दैट इज वन, दैट इज वन। अभी तुम केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कर सकते हो बेटा, ना जो केवल डायरेक्ट एडिशन से बनते हैं, अपन को पूरा करने के लिए तीनों चारों फ्रेंड पढ़ने होंगे। अभी हम पहले कौन सा सीख रहे हैं, डायरेक्ट एडिशन, ठीक है। चलो अब मैं बड़ा सा क्वेश्चन देता हूं और देखता हूं किसका आंसर आए, जिसका आंसर आए वो फटाक से तेजी से बोलना, ठीक है। चलो मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन देता हूं अब, केवल प्रैक्टिस, है ना, सही बैठो, सिट प्रॉपरली, सिट, हाँ यस, स्टार्ट करते रहो मेरे साथ साथ, ठीक है। That is, बड़ा हो गया, देखते हैं किसका आंसर आएगा। हाँ बोलो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, फिर से करो, चलो मेरे साथ करो, करो टू प्लस फाइव माइनस सिक्स, देखो माइनस सिक्स कैसे करेंगे, ये माइनस सिक्स हो गया ना, माइनस सिक्स प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस फाइव माइनस टू और माइनस सिक्स दैट इज वन। इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर है वन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करो, हाँ सभी का आना चाहिए, ठीक है। हाँ क्या आंसर आया, करो, सिक्स रॉन्ग, फाइव रॉन्ग,
8 वेरी गुड, इसका आंसर सही है। देखो करते हैं कैसे, 7 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8, देखो 5 6 7 8 हो गया ना माइनस 8, प्लस 2 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 8 5 6 7 8 आंसर इज 8। अब देखो इसको करने ऐसे अगर माइंड से करते काफी टाइम लगता है, इसको हाथों में अपन फटाक से चुटकियों में कर सकते हैं ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी कर दोगे, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस वीडियो में अलग से डाल दूंगा, सभी अपने मोबाइल पे निकाल के प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्रैक्टिस वीडियो में अलग से डाल दूंगा। ओके, इनकी काफी सारे लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, जिसमें आंसर भी रहेंगे लेकिन मेरे आंसर से पहले तुम्हारे आंसर आ जाने चाहिए, है ना, प्रैक्टिस करना दबा के अच्छे से। ओके नेक्स्ट करो, अब देखते हैं किसका आंसर आता है। स्टार्ट करूं, करो क्या आंसर आया। 5 रॉन्ग, बताओ बेटा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, सेकंड क्लास में, अच्छा, छोटे बड़े सभी सीख सकते हैं बेटा इसको। रॉन्ग, 2 रॉन्ग है। 4 भी रॉन्ग है। तुक्के मत दो 4 5 सभी बोल दोगे क्या, तुक्के नहीं देना है, करना है, देखो करो मेरे साथ साथ। 9 माइनस 7 5 6 7 माइनस का हो गया, माइनस हो गया ना, तुम प्लस माइनस में मिस्टेक करते हो, अच्छे बच्चे नहीं करते हैं ना। प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 6 ये प्लस 6 हो गया ना 5 6 दैट इज 7 3 है क्या 7 क्या आंसर 7 डायरेक्ट एडिशन कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया, डायरेक्ट एडिशन कंप्लीट। अब मैं तुमको प्रैक्टिस डाल दूं, प्रैक्टिस डाल रहा हूं ना जो करनी है तुम्हें। कोई सा भी कैलकुलेशन कितना भी फास्ट कर सकते हो बेटा इन चारों नियमों को सीखने के बाद, है ना। चलो अब मैं प्रैक्टिस डाल रहा हूं तुम्हें, अपने अपनी नोटबुक में लिख लो इनको। प्लस 5 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 7 डायरेक्ट एडिशन के क्वेश्चन है बेटा, ये किसके क्वेश्चन है, डायरेक्ट एडिशन के, है ना। फोर प्लस फाइव माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस सिक्स प्लस फाइव। ओके नेक्स्ट, नाइन माइनस सेवन प्लस फाइव माइनस टू प्लस फोर माइनस थ्री। एट
माइनस थ्री प्लस फोर माइनस फाइव माइनस टू प्लस सिक्स। ये फाइव क्वेश्चन तो मैं यहां डाल रहा हूं, ठीक है, और नेक्स्ट डायरेक्ट एडिशन की जितनी भी अच्छी प्रैक्टिस बनेगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, है ना, वो आपको मोबाइल पे करनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। और इनकी प्रैक्टिस आपको कम से कम फाइव बार करनी है ना, इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कितनी बार करोगे, फाइव बार, तब इनकी पहले धीरे धीरे करनी है, फिर थोड़ी स्पीड से करनी है, फिर थोड़ी स्पीड से करनी है, इस तरह सिट प्रॉपरली। दिख नहीं रहा, लो मैं अट गया, अब दिख रहा है, है ना, तुमको दिख रहा है, हाँ। प्रैक्टिस कैसे करोगे ये देख लो, सुन लो अच्छे से, पहले धीरे धीरे करनी है, है ना, फिर आपको अगली बार उसी आंसर को चेक करना है कि तुम्हारा सही यही आ रहा है या चेंज आ रहा है, तो इस तरह एक क्वेश्चन की फाइव बार करोगे, पहले धीरे धीरे, फिर थोड़ा स्पीड, फिर थोड़ी स्पीड, फिर थोड़ी स्पीड, है ना, इस तरह इनकी फाइव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितनी बार हो जाएगी, 25 बार। तो जो मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट डालूंगा ना, उसको आप बहुत अच्छे से स्पीड से कर लोगे, है ना। ये अपना डायरेक्ट एडिशन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट रहा अपना स्मॉल फ्रेंड, बिग फ्रेंड और मिक्स फ्रेंड। कौन कौन सा, स्मॉल, स्मॉल तो वैसे ही स्मॉल है, स्मॉल मींस क्या होता है, छोटा दोस्त, है ना, तो वो तो वैसे छोटा है, वो बहुत इजी से हो जाएगा। बिग फ्रेंड थोड़ा सा बड़ा है, अगर स्मॉल फ्रेंड सीख गए तो बिग फ्रेंड भी पक्का सीख जाओगे, सेम सेम से है। और मिक्स फ्रेंड में आएगा पापा मम्मी और फ्रेंड, पापा मम्मा और फ्रेंड, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से।